हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको हुक और टिच बटन लगाने का तरीका बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये बेसिक में आता है। जब आपने लास्ट वीडियो में हमारी तुरपाई वाली वीडियो देखी है, तो तुरपाई वाली वीडियो जब आप कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये कमीज़ है और यहाँ पे चाकू में तुरपाई होती है, ठीक है, घेरे में तुरपाई होती है, गले में तुरपाई होती है, तो तुरपाई अगर आप सीख जाएंगे तो हर जगह आप तुरपाई कर पाएंगे। लेकिन अब उसके बाद आती है दोस्तों टिच बटन। जैसे यहाँ पर ब्लाउज में, कमीज़ में आपके टिच बटन लगते हैं, तो वो किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको धागा बताता हूँ दोस्तों। आपको धागे को लेना है, एक बार खोलें, दूसरी बार खोलें और उसको इस तरीके से दोस्तों आपको डबल में मिलाना है। देखिए, डबल में मिलाने के बाद मैं यहाँ पर इसे कैंची से कट कर लेता हूँ। कैंची से कट करने के बाद दोस्तों इसको मैं धागे को इस तरीके से डालूंगा। ये देखिए आ गया। अब इसको यहाँ रोकने के बाद, जैसे तुरपाई के लिए हमने छोड़ा था धागा, इसको हम इस तरीके से गांठी लगा लेंगे। और याद रखें दोस्तों, डबल धागा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टिच बटन होता है, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब एक टिच बटन, ठीक है, कई लोग ऊपर ये वाला लगा देते हैं, कई अलग जगह, तो आप कोई भी टिच बटन कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एक पट्टी होती है हमारी, इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने फ़ोल्ड कर दिया। इसके ऊपर दोस्तों हमें टिच बटन रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कई लोग यहाँ पे चार धागे लगाते हैं, लेकिन इसका जो छेद होता है इसमें चार धागे फंसेंगे, यानी कि टिच बटन जब आप लगाओगे तो आपका धागा बार बार उलझेगा। तो आप डबल धागा डालें और देखिए, इसको ऐसे रखने के बाद अब सुई की मदद से इसको ऐसे लगाएं। जैसे कि एक बार ये निकाल लिया, अब गिने यहाँ पर 1 2 3 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसी तरीके से कर लें। जैसे कि मान लो एक निकालने के बाद अब गिनेंगे 1 2 3 4। इससे ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि छेद आपका यहाँ पे देखिए भर जाएगा, धागे की जगह नहीं होगी और फिर धागा आपका उलझेगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ भी करना है। जैसे कि देखिए, एक अब होगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसको ऐसे करें, चाहे तो आप यहाँ पर भी पक्का कर सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर भी कर लें इस तरीके से। देखिए, एक बार आप इसे निकालें इस तरीके से। देखिए, सुई आपको लगाने के बाद आप इसको ऐसे करना है, एक गांठी लग गई, फिर दोबारा से इस धागे को हम ऐसे घुमाएंगे 2, यहाँ पे घुमाएं धागे को 3 और फिर ऐसे निकाल के धागे को आप ऐसे लास्ट वाले में घुमाना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका टिच बटन बहुत ही मजबूती से लगेगा और कोई भी धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। और कैंची या कटर यूज़ करें कटिंग करने के लिए। आप देखेंगे आपका टिच बटन यहाँ पे मजबूती से लग चुका है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से दोस्तों आप धागा लेंगे, ठीक है। धागे को आप फिर दोबारा यहाँ पे गांठी लगा लेंगे, ऐसे करके। लगाने के बाद आपको ये टिच बटन की जो पट्टी है आपको ऐसे रखना है। यहाँ पे रखने का, जहाँ पर ये आएगा हल्का सा इसको मामूली, या तो वहीं पे लगा दें या हल्का सा लूज़ कर लें, क्योंकि ये लूज़ करने से क्या होगा दोस्तों, आपकी कंधी में खिंचाव नहीं आएगा। कई लोग जैसे इधर लगा देते हैं, तो इधर लगाने से क्या होगा, देख सकते हैं आप कंधी में खिंचाव आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको एक बराबर ऐसे रख के या हल्का सा लूज़ करके दोस्तों आपको देख लेना कहाँ पर पॉइंट आ रहा है आपका, ठीक है। और जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर अंगूठा रख लें अपना और इसको इस तरीके से रख लें इसके ऊपर। अब रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे हाथ डाल लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे धागा नहीं दिखेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे करके, और एक अंदाज़ा भी होता है, तो मैं तो ऐसे रखने के बाद ही कर लेता हूँ। ये देखिए, आपको एक बार ऐसे निकालना है और यहीं से आप गिनना स्टार्ट कर दें। वैसे ही सेम 1 2 3 और ये 4, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरा करना है। देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर भी करना होगा। ये टिच बटन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका टिच बटन एक तो फिनिशिंग में लगेगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे टिच बटन जो लगेगा बहुत मजबूती से लग जाएगा, फिनिशिंग के साथ मजबूती। अब लास्ट में देखिए, आपको ऐसे धागा घुमाना होगा। और टिच बटन कब लगाना है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये लगाने के बाद तो ये देखिए, मैंने दोस्तों धागे घुमा लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगा। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फिनिशिंग से लगा है। कई लोगों के यहाँ पे धागे निकलते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा टिच लग गया। अब टिच बटन लगाना कब है, कभी भी गले की तुरपाई, जैसे टिच बटन आप लगा रहे हो तो गले की तुरपाई आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद टिच बटन लगाएं, वरना बाद में तुरपाई करने में गले में परेशानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने टिच बटन को लगा लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा हुक और आई बनाना, ये बेसिक कोर्स में आता है। जब भी आप तुरपाई सीखते हैं तो उसके बाद आपको टिच बटन और हुक आई बनाना जरूर आना चाहिए, इसके बाद आप तुरपाई में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों मैं आपको हुक और आई के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ एक फ्रंट कटिंग करा ब्लाउज का और इस तरीके से प्लेट डाल के गले को नॉर्मली कटिंग कर लिया। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये पट्टी को हम किस तरीके से लगाते हैं। ये देखेंगे हाई की पट्टी है और ये हमारी हुक की पट्टी आ गई, ऊपर इस तरीके से आएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें लगाना होगा इस साइड में हुक, और इधर जो पट्टी बड़मा होती है यहाँ पर हमेशा हाई बनाएंगे। तो ये बनेगा कैसे, इसका निशान कैसे लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों गला मान लीजिए बना हुआ है, नीचे का हमने फोल्ड करा है। इसको हम सबसे पहले इस तरीके से रखते हैं ब्लाउज में। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा रखने का। उसके बाद आप एक हुक तो आपको यहाँ लगेगा, लेकिन फिर भी निशान लगा लें, और उसके बाद आप जितनी गैपिंग में लगाना चाहते हो आप इस तरीके से दोस्तों निशान उठा लें। ये निशान उठाने से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ये मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, ये तरीका आपको बताया गया। ये नहीं कि आप गले के बिल्कुल बराबर में लगाएंगे, एक तो गले पे लगेगा, एक यहाँ लगेगा, उसके बाद गैपिंग में आप हुक के और हाई के निशान लगा लें। अब यहाँ पर जो पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होती है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे तुरपाई करनी है, जो कि आपको हम वीडियो में लास्ट में बता चुके हैं कि तुरपाई कैसे होगी। जब तुरपाई आप कर लेंगे तो इसका कच्चा पूरा खोल लें। अब हुक लगाना है, तो दोस्तों हुक लगाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपके काम आएंगे। तो देखिए धागा आपको डबल में ही रखना है, चार धागे नहीं करने। उसके बाद आपको एक हुक लेना है। याद रखें दोस्तों, हुक लेने के बाद मैं आपको यहाँ रख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। जैसे कि पहले मैं भी करता था, बिल्कुल किनारे पर हुक लगा दिया। दोस्तों किनारे पर हुक नहीं लगाना, जब हुक पे जोर पड़ता है तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पे लगाने का जो हुक आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जो कि बहुत गंदा लगता है। आपको जो हुक लगाना है, और इससे फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ। आपको हुक लगाना है तकरीबन एक पैर नीचे, और हुक को आप ऐसे रख के पहले देख लीजिए, एक अंदाज़ा भी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर रख लिया, आप देखें कि हमारा हुक इस तरीके से सीधा लगा है। अब मैं आपको यहाँ हुक लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने हुक रख लिया ऐसे, हम पहले यहाँ पर इसको ऐसे करके देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे करके यहाँ दोस्तों सुई डालते हैं ऐसे। ठीक है, एक बार डालने के बाद अब गिनेंगे हम एक, अभी हो गया आपका दो, तीन, चार, पाँच। फिर इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ले लें हम, और ये बहुत ही बढ़िया है। आप 5 की जगह 6-7 भी कर सकते हो मजबूती से लगाने के लिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों आप देख सकते हैं 5-5 बार करने के। अब दोस्तों ये हुक देखिए हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन इसे सीधा कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करके ना, एक अंदाजे से हम हुक के बराबर में इसको ऐसे करके दोस्तों लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपकी सुई इतनी दिखनी चाहिए। अगर ये सुई आपके नीचे बाहर की तरफ इतनी नहीं दिखेगी ना, तो दोस्तों होगा क्या, सिर्फ ये जो पट्टी है ना आपकी, इस पट्टी में हुक लगेगा, लेकिन बाहर की तरफ से मजबूती नहीं आएगी। इसलिए हल्का सा आपको ये दिखाना है। उसके बाद ऐसे करके अब देखिए दोस्तों, इसको हम धागे को ऐसे करेंगे, और जहाँ पे हमने डाला था सेम आपको ऐसे वहीं पे निकालना है डाल के, और इसको ऐसे खींचते जाना है। देखिए ऐसे ही, ये देखिए 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया दोस्तों आपका 5 बार, और इसी तरीके से आप 6 बार। ज़्यादा भी ना करें, ज़्यादा करेंगे तो आपका धागा फंसने लगेगा। उसके बाद अब जहाँ से स्टार्ट करा था दोस्तों उसी तरफ धागा ले जाएँ, और यहाँ पर आप तकरीबन 1, 2 और ये 3, इसका धागे को कर लेंगे आप कटिंग। दोस्तों कटिंग करने के बाद आप देखेंगे आपका हुक यहाँ पे लग चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। दूसरी तरफ देखें हमारे जो 3 टाँके थे 1, 2, 3 वो आपके यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये हल्के हल्के टाँके नज़र आना चाहिए, मैचिंग धागा होगा तो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन हुक ये मजबूती से लग गया। तो ये तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। तो दूसरी तरीके के लिए भी दोस्तों धागा आपका सेम होगा, आपको यहाँ पर गांठी लगानी है। अब जो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही मजबूती वाला हुक लगेगा। इसमें हुक रखने का तरीका वही है सेम जैसा आपको मैंने बताया था। ठीक है, रखने के बाद पहले एक टाँके को आप यहाँ पर आराम से निकाल लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाँके को निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब जो मैं निकाल रहा हूँ जैसे 1 बार ऐसे कर लिया, और अब इसको हर बार में ऐसे घुमाना है। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर लोहे के पास देखिए जहाँ पर हमने टाँका लिया था उससे थोड़ा हटा के इसको हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर इस तरीके से निकालेंगे 2, फिर इस तरीके से करके दोस्तों फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर निकालेंगे 3, फिर ऐसे करके दोस्तों घुमाएंगे, फिर निकालेंगे 4। यानी कि हर बार में आपको इस तरीके से निकालना है, और आप इसे पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए शायद आपको नज़र आए, ये बहुत ही मजबूती से दोस्तों आपका लग जाएगा। हर एक में गांठी आपको बनानी है। इसी तरीके से जब 5-6 बार आप कर लें उसके बाद फिर इसको ऐसे करें और यहाँ पर भी ऐसे गांठी लगा लें। एक यहाँ से स्टार्ट करा, अब इसके बराबर बराबर से देखिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ गांठी। 2, 3 आप देख सकते हैं सुई कहाँ से स्टार्ट करी थी मैंने, यहाँ से स्टार्ट करी थी और यहाँ तक आ गया। तो दोस्तों ये आपको हुक इस तरीके से लगाना है, ये बहुत ही मजबूती वाला हुक लगता है। अब जैसे कि यहाँ 5 बार हमने कर लिया, अब इसको भी दोस्तों आपको वैसे ही सीधा करना है जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप वो ना करें, इसको ऐसे करके दोस्तों बस आप इसको ऐसे सेम निकालते रहें, ठीक है। इसमें आपको वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ऐसे धागा इसमें से निकालना है। ये धागे को आपको हर बार इसमें से निकालना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाले में बताया था आपको। अब उसके बाद जब आप 5-6 बार कर लें फिर इसको ऐसे करें, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे घुमाना है और 3 बारी पक्का करके इसको कटिंग कर लेनी। एक यानी 3 बारी 2 बारी में आप इसे यहाँ पे कटिंग कर लें। तो आप देखेंगे दोस्तों आपके 2 तरीके से मैंने हुक बता दिए, दोनों ही बहुत मजबूत हैं, ठीक है। बाद वाला दोस्तों कुछ ज़्यादा ही मजबूत है, तो इस तरीके से आप हुक लगा सकते हो। अब हुक लगाने के बाद, ठीक है, कभी भी आप पहले हुक लगाएं। हुक जब आप लगा लें, ब्लाउज का मैंने फ्रंट इसलिए बनाया जिससे कि आपको मैं प्रॉपर समझा पाऊँ। अब धागे को आपको देखिए ऐसे रखना है डबल में ही, ठीक है। अब इसको हम जब हुक को सब लगा लेंगे ना तो आपको ये नापना है, ये नापने का देखना है कि जो लाइन आपने खींची है, ठीक है, चौक के बिल्कुल सही आ रही है नहीं। जैसे कि ये वाला हिस्सा देखिए बिल्कुल सही है, ये ऊपर वाला भी सही है। तो हम ऊपर वाले निशान पर देखिए ये पट्टी जो बड़ी होती है ये हमारी हाई वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो नीचे की साइड में हुक बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि पट्टी पे हुक बनाए। तो देखिए पट्टी पे हमारा जो चौक का निशान है वो ये है, ठीक है, और नीचे तो इसको हम इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे पट्टी के ऊपर ऐसे निकालेंगे, नीचे गांठी आपकी जब रुक जाएगी यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर तकरीबन आपको 1 पैर के बराबर, ज़्यादा गैपिंग नहीं, 1 पैर के बराबर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हाई बनाओगे तो वो दिक्कत देती है बाद में, ठीक है, लूज़ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसको लगा के बिल्कुल हल्का सा लूज़ छोड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दोबारा से ऐसे सुई निकालनी है, डाल के यहाँ से दूसरी तरफ निकालनी है, और ये आपका हो गया 2 बार, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालने हैं तकरीबन 5 बार। देखिए 2, 3, 4 और 4 के बाद दोस्तों अब इसको सुई को ना इस तरीके से देखिए, जितना भी धागे हैं ना इसको ऐसे लेना है एक बराबर। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप करने लगोगे तो बिल्कुल ओके रहेगा। देखिए सुई आपकी कहीं भी नहीं फंस रही। इसको हम ऐसे ही देखिए ऐसे करने के बाद ऐसे घुमाएंगे और बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे एक गांठी आपको लगा देनी है, ठीक है। लगाने के बाद अब दोस्तों आपको धागे की आई के बराबर ऐसे रखना है, देखिए ये रख लिया। अब इसको हर बार में ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे घुमाना है, और इसको हम ऐसे करके दोस्तों पक्का कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों हर बार घुमाने के बाद हमें इसको ऐसे घुमाना है और यहाँ पे पक्का करेंगे बिल्कुल बराबर से, गांठी के बराबर दोस्तों हमें गांठी लगानी है। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहेगा और हाई आपकी धागे की जगह हाई आपकी बन जाएगी, यानी जो धागे थे ना वो बिल्कुल मजबूती से पकड़ बना लेंगे। आप देखिए यहाँ पर हाफ हाई तक हम आ चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर से हम इसको पकड़ें और मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊँगा। तो आप देखें और डबल धागे से काम करें। कई लोग जल्दीबाजी में 4 धागे यूज़ करते हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डबल धागे से करें, उससे मजबूती भी आती है प्लस फिनिशिंग आती है। मेन होता है आप जो है काम तो करें लेकिन फिनिशिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। काम तो आपका हो ही जाएगा लेकिन फिनिशिंग भी आप ज़रूर करें। देखिए एक ही प्रोसेस हमने पूरा करा और एंड में आने के बाद इसको ऐसे मिला दिया, तो आप देखेंगे हाई हमारी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों बन चुकी है, ठीक है। अब इसको हम सुई को अंदर की तरफ कर लेंगे, ये देखिए हाई बन चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से दोस्तों 2-3 बार पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद धागे को कर लेंगे हम थोड़ा छोड़ के कटिंग। अब देखिए दोस्तों हाई आपकी कितनी मजबूती के साथ ये बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो हाई है हमारी इस तरीके से आपका हुक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और जब ये हुक जाएगा जो मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए अभी हुक पूरा नहीं गया, जब हुक आपका अंदर जाएगा और मैंने जो छोड़ के हुक लगवाया आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक तो आपका हुक खिंचाव की वजह से दिखेगा नहीं, ठीक है, प्लस में ये पट्टी भी आपकी बिल्कुल मिल के ही आएगी, अंदर वाली पट्टी है ना बिल्कुल मिल के आएगी, आप देख सकते हैं। हुक लगने के बाद आपकी पट्टी दिखेगी, यानी कि फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको टिज बटन और हुक हाई का बेसिक चीज़ बताई है कि आप किस तरीके से इसको लगाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल इसी तरीके से किसी भी कपड़े पर आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे तुरपाई का मैंने बताया था, और आपको हुक हाई बना लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।